अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों की शुरुआत करते हैं गुजरात की एक खबर के साथ, जहां सूरत में रहने वाले एक किसान परिवार की 19 साल की बेटी पायलट बन गई। अपनी इकलौती बेटी को पायलट बनाने के लिए जब किसी सरकारी बैंक से लोन नहीं मिला तो किसान पिता ने अपनी खेती बेचकर उसके सपने को साकार किया। सूरत की रहने वाली मैत्री पटेल अमेरिका से पायलट बनकर लौटी हैं। इतनी कम उम्र में बेटी के पायलट बनने से माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। मैत्री के पिता कांति भाई पटेल और मां रेखा पटेल ने बेटी के पायलट बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपनी खेती तक बेच दी थी। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद पायलट बनने के लिए अमेरिका गई मैत्री पटेल ने सिर्फ 11 महीने में ट्रेनिंग पूरी कर कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया। मैत्री पटेल ने बताया कि वो जब महज 8 साल की थी तभी उसने पायलट बनने का सपना देखा था। वो सपना अब 19 साल की उम्र में पूरा हुआ है। मैत्री अब आगे कैप्टन बनना चाहती है और अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। एक वक्त था जब मैत्री के पिता ने उसे पायलट की ट्रेनिंग दिलाने के लिए बैंकों से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन किसी बैंक से उन्हें लोन नहीं मिला। आखिरकार उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर बेटी की पायलट की ट्रेनिंग की फीस भरनी पड़ी। आमतौर पर कमर्शियल विमान उड़ाने की ट्रेनिंग 18 महीने में पूरी होती है और बहुत से 18 महीने में भी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनके लिए ट्रेनिंग के 6 महीने और बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन मैत्री पटेल ने महज 11 महीनों में ही कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। दूसरी खबर यूपी के कानपुर से है, जहां योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का अनोखा अंदाज देखने को मिला। सरसौल इलाके में जनसंपर्क के दौरान वो बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर गोटी खेलते नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पिछले दिनों सतीश महाना अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के लिए चाय बनाते नजर आए थे। सतीश महाना अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उनकी गिनती लोकप्रिय नेताओं में होती है। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में भी पूछा। उन्होंने बच्चों से कहा कि मन लगा कर पढ़ें। आप में से ही कोई ओलंपिक पदक विजेता तो कोई पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकता है। इसके बाद महाना ने प्रेमपुर मोड़ पर बैठक की। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों के वरिष्ठ नेता जमीन पर उतरकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में सतीश महाना ने भी जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। सतीश महाना 5 बार कैंट विधानसभा सीट से और इसके बाद लगातार 2 बार महाराजपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। तीसरी खबर विदेश से है। बेशुमार दौलत की मालकिन यूके के राजघराने की राजकुमारी लेडी अमेलिया विंडसर खुद के पहने हुए अंडरवेयर जीन्स बेचती हैं। राजकुमारी के कपड़े खरीदने के लिए लोगों में होड़ रहती है। अमेलिया राजगद्दी के दावेदारों में 42वें नंबर पर आती हैं। लोग हैरान हैं कि आखिर इतने अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाली इस राजकुमारी को अपने कपड़े बेचने की क्या जरूरत पड़ गई। राजकुमारी लेडी अमेलिया विंडसर 26 साल की हो चुकी हैं। वे अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी में हैं, जिसकी वजह से वो फिर सुर्खियों में हैं कि अपने पहने हुए अंडरवेयर और जीन्स की ऑनलाइन बिक्री करने वाली राजकुमारी बर्थडे पार्टी का प्लान कर रही हैं। 26 साल की अमेलिया प्रिंस हैरी और प्रिंस चार्ल्स की कजन है और अपनी खूबसूरती के कारण चर्चा में रहती है। उनके इंस्टाग्राम से साफ पता चलता है कि वो बहुत ही ग्लैमरस जीवन जीती हैं। राजकुमारी ने साल 2018 में तब सुर्खियां बटोरी थी जब यह बताया गया कि उन्हें प्रिंस हैरी की शादी का न्योता नहीं मिला, लेकिन अगले साल वो लेडी गैब्रियला विंसर की शादी में शामिल हुई, जहां वो गुलाबी पोलका डॉट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। न्यूज तक ब्यूरो।